तीन वर्ष के अंदर काशी कितने लोगों ने दर्शन जाके किया काशी विश्वनाथ धाम का? जो लोग नहीं किए वे लोग भी जाकर के वहां दर्शन करिए, क्या भव्य विश्वनाथ धाम बन गया है। अब विश्वनाथ धाम के बाद अब भाइयों बहनों अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बारी आ चुकी है। याद रखना अयोध्या का विकास होगा तो अंबेडकर नगर सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला है। सबसे ज्यादा लाभ तो अंबेडकर नगर को होने वाली है क्योंकि विकास की प्रक्रिया यहां तक जुड़ने वाली है। उस कॉरिडोर का हिस्सा अंबेडकर नगर जनपद भी होने जा रहा है। राम जन्मभूमि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो उसके साथ ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनकर के तैयार हो जाएगा। कितने लोगों ने विंध्यवासिनी धाम में दर्शन किए हैं? कितने लोग गए वहां? कार्य अच्छा हो रहा है ना, पसंद आया? पहले देखो कितनी संकरी गलियां होती थी, चौड़ी हो गई, 5 फुट की गली भी नहीं होती थी। अगर दो लोग एक साथ चले जाएं तो चोट लग सकती थी, लेकिन अब 50 फुट का गलियारा दिया जा रहा है, भव्य गलियारा दिया जा रहा है। जल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। धामों का विकास कैसे होना चाहिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृष्टि भारत को दी है। एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम, दूसरा एक उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये विरासत का सम्मान है और विरासत के सम्मान को बढ़ाने के पहले राम राज्य की अवधारणा को साकार किया जाए, बिना भेदभाव के हर गरीब को सुविधा का लाभ, देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाने का काम हुआ। उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बने। देश के अंदर 48 करोड़ गरीबों को जनधन अकाउंट खोले गए। उत्तर प्रदेश में लगभग 9 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। देश के अंदर 3.5 करोड़ गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 54,00,000 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य हुआ है, जिनका आवास अभी आपने देखा होगा मंच पर। जो भी माताएं आती थी मैं उनसे पूछता था मकान बन गया, वो कहती थी हाँ बन गया। कोई पैसा तो नहीं मांगा, उन्होंने कहा पैसा मांगने की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि अपने पैसा सीधे हमारे अकाउंट में आ जाता है, इसलिए कोई बीच में पैसा काटने का तो साहस नहीं कर सकता। भैया